आप कंपनी लॉ सबेक्ट को पढ़ते हैं आपका उसको पढ़ने का एक पर्टिकुलर आउटलुक होता है कि ने आपको इस तरह से दिया हुआ मॉड्यूल दिया मॉड्यूल के अंदर चैप्टर वाइज चीजों को डिवाइड किया हुआ इंट्रोडक्शन कि पढ़ो दे पढ़ो दे पढ़ो

सो so, आपने उसको एक बार तो पढ़ा हुआ है अपने स्ट्रक्चर तरीके से इस सीरीज में वी सी सी एंटायर एंटायर सेक्शन सीरीज इन अ मैनर जिस तरह से आपने ये कंसेप्ट को पढ़ा होगा बट इस तरक, तरीके से इस नजरिए से नहीं पढ़ा पढ़ाओ ना वाई आईव स्ट्रक्चर दीरीज इन दिस फैशन वॉट इज माई ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन इज दैट स्टूडेंट लुक हाउट वर्क स्टूडेंट सीज कंपनी लॉ फ्रॉम वन आउटलुक हाँ मैंने इस तरह से कंसेप्टचुलट उसमें कुछ ब्रेक कुछ गैप्स रह जाते हैं कुछ ब्रेक्स रह जाते हैं कुछ लूप होल्स रह जाते हैं जो कि एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेते हैं एग्जाम में आप देखेंगे पिछले तीन से चार अटेम्प्ट का पेपर तो हर एग्जामिनेशन के अंदर हर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के अंदर कुछ ना कुछ सरप्राइज क्वेश्चन रहते हैं कुछ ना कुछ सरप्राइज क्वेश्चन रहते हैं देन वी वंडर क्वेश्चन कहां से आया मैं तो सब कुछ पढ़कर आया हूँ

मान को बाला के, नहीं सर हमें तो एकदम एक स्लोली स्लोली हौले, हौले 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 ही पढ़ना है।, आ, उसका मैं जो वीडियो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तब रिकॉर्डेड मैराथन उस तरह से एकदम हॉले हॉले जिस बच्चे के बेसिक्स भी बिल्कुल वीक है तो बेसिक्स से लेते हुए भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है तो आप वो देख सकते हैं उसको आपने बहुत प्यार भी दिया है तो आप वो देख सकते हैं लेकिन थे कि नहीं एक बार तो प्रिपरेशन हो गई है, बट वी रैंकर और हमारे आंसर में क्या फर्क होता है क्या है जो उसको पता है जो हमें नहीं पता है तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप यही सीरीज कोले होले देखते रहते हैं सो आप में भी वो सारी चीजें समझने की ताकत आएगी कि हाउ दो स्टूडेंट्स स्कोर सेवेंटी प्लस और गेट अ रैंक नोस

एक ग्रुप भी दे एंड या फिर एक व्यक्ति जो पेपर देखते कुछ सरप्राइज क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहा है कहा से आए हैं सो वेन यू सी एन एक्ट सेक्शन वाइज तो कुछ स्कीप होने का सवाल ही पता नहीं होता ना सो आई बिलीव दिस इज अ वंडरफुल वे ऑफ गोइंग थ्रू द एक्ट इन रिविजन फॉर्मैट ओके स्पीड मेरी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी यहाँ पे, बिकॉज आई विल नॉट बी फोकसिंग अ लॉट ऑन बेसिक्स हाँ कुछ बेसिक्स में लगता है मुझे बताने जैसे ऑफर फॉर सेल ऑफर ऑफ सेल इस प्रकार के बेसिक्स पे मैं रुकूंगा लेकिन जो एकदम बेसिक है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी इस प्रकार के बेसिक्स को मैं कवर नहीं करूंगा प्रिज्यूम करके चलूंगा कि हर एक बालक को वो पता है

सी ए स्टूडेंट सी एस स्टूडेंट एक व्यक्ति जो भाई साहब लाइफ में ऐसा है कि वो एल एल बी कर रहा है वो भी कंपनी को देखना चाहता तो ये उसके लिए कल को आप जॉब करेंगे कल को आप प्रैक्टिस करेंगे वहां पर जो कंपनी का यूज होगा वो भी आपके लिए वंडरफुल्लीकेबल रहेगा एंड स्पेशली एग्जाम में जो एक्स्ट्रा एज चाहिए वो यहां से आपको बदलेगा

तो हम एक 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 तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे एंड ट्रस्ट मी एग्जामिनेशन तो अभी जब आप पढ़ते हैं है, है कि यार सर, सर दिल में बैठ नहीं रहा है बिकॉज आप बच्चों ने सेक्शन वाइज पढ़ा नहीं होगा कभी आपने एक्टली सेक्शन आपको एक सेक्शन वाइज आपने नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा इसको आपका कंफर्ट लेवल आने में थोड़ा सा समय लगेगा तो जस्ट बी ए लिटल पेशेंट

एंड आई दैट स्पीड इज गोइंग टू बी इडली ऑन द हायर साइड सो दैट मैं मल्टीपल चीजें अच्छे से कवर कर पाऊं तो आप बच्चों को अगर हल्की सी भी परेशानी आती है तो आप क्या कर सकते हैं उसको पीछे कर सकते हैं सेकेंड ये वीडियो आप बार बार भी देख सकते है। हैं सो दैट आपके लिए क्या रहेगा कि आपने अभी देख लिया फिर आप एग्जाम के बारे में एक और बार देखना चाहते हैं कि सारे सेक्शंस फटाफट से चैप्टर के रिवाइज हो जाएंगे यू कैन डू इट दैट टाइम यू कैन सी दिस वीडियो एट 1.25 पॉइंट टू फाइव ऑल्सो तो इस वीडियो के बीच में अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे लिए स्पीड सर बहुत स्लो हो जाती है

यही नोट्स अगर मैं ऑनगोइंग क्लास में भी आपके साथ लिखता सो उसका एक्स्ट्रा टाइम होता फिर आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है सो आई हैव डन इज रिटन एवरीथिंग पूरा सेक्शन का मेरे नोट्स में रेडी करके लाऊंगा सो so दैट वहां समय बचेगा हो सकता है एक आधार लेक्चर में आपके साथ लिख लू अदरवाइज मोस्टली आई बी प्रिपेरिंग द नोट एंड देन आई विल रिकॉर्डिंग द सेशन सो दट आप बच्चों का वहां समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा ओके एंड दिस विल शेड विद यू ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको कहीं पर भी जाओ आपके ग्रुप मिल जाएगा ओके okay? चलिए

तो भाई साहब एकदम एक्टिवली ऐसा समझो कि मैं आपसे टू बात कर रहा हूं अरे सुरेश रमेश मुकेश मैं आप ही से बात कर रहा हूं मैं आप ही से बात कर रहा हूं राइट तो अरे मुझे सब दिखता है से ये यह आप जो पहन के बैठे हो ना क्या ये ब्लैक टी शर्ट पहन के बैठे हो ना सब दिखता है मुझे कैमरे में सो बस ध्यान रखो यारम राजी खुशी मैं जैसे ऐसा बोलू वैसे फॉलो करते ना मैं जब बोलूंगा कि खड़े हो जाओ उस कंसेप्ट पे तो वहां पे घर में बैठे बैठे खड़े हो आस पास को पागल समझते हो मैं बोलूँ उसको रिपीट करो मेरे साथ में तो रिपीट करो तब तब आपको आपको इसका एक्चुअल मजा आएगा और दिल में 23, 23, 242, दिल में में मैं मैं अश्योर करता है। है, आज आज जब एंड ना, सेक्शन नंबर का जो टारगेट ये नहीं उतर जाएगा तो मेरा नाम बदल के शाहरुख खान रख देना ठीक है तो मैं आपको क्या पूरा का पूरा दिल में उतर जाएगा so

When I've taught you all the sections, then I'll be talking about the memory techniques. So nothing right now. Section 23 talks about public offer and private placement. A very basic section. 24, power of SEBI. 25, document containing offer for securities. 26, matter to be stated in prospectus. 27, variation. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 34 to 38. पनिशमेंट रिलेटेड सेक्शन है क्रिमिनल लाइबिलिटी अफेक्टेड पर्सन पनिशमेंट तो ये कुछ पनिशमेंट रिलेटेड इंपॉर्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन तो टारगेट इज टू सिंपली कवर ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज सेक्शन ब्यूटिफुली ब्यूटिफुल ओके जो बच्चे इसको जब मैं इसको प्रीमरी कर रहा हूं उसी समय पर हैं तो समझिएगा जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा उसके कुछ देर में आ, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्विज होगा

Uh, one is SSM, उस नाम से मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल एक मेंटोरशिप प्रोग्राम करके भीशन द टारगेट इज वेरी क्लियर टारगेट इज वेरी क्लियर सेक्शन ट्वेंटी थ्री टू फोर्टी टू कंप्लीट करना है अभी इस मेमोटेक्निक बिल्कुल ध्यान मत दो जब सारे सेक्शन पढ़ लेंगे

So are you all set to start the session? Shall I start section 23, the basic one? चलिए यार स्टार्ट करते हैं कम दिया थर्टीन चैप्टर थ्री सेक्शन ट्वेंटी थ्री टू फोर्टी टू सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री टॉक्स अबाउट क्शन नहीं पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरक्शन सेक्शन ट्वेंटी अगर कोई भी पब्लिक कंपनी मैं कौन सा कलर ली गा मैं कौन सा कलर में रेडी लेगा यस yes. फोकस करना अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है तो एक पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी कैसे इश्यू कर सकती तो है तो टॉपिक क्या चल रहा है हमारा चैप्टर का नाम क्या है कौन कौन पब्लिक ऑफर कर सकता है कौन कौन प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है

बोनस इशू अ कंपनी इज गिविंग शेयर टू इट्स एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स ओनली फॉर फ्री दैट इज बोनस इशू डिफरेंस बिटवीन राइट इशू बोनस इशू इज राइट इशू कंपनी अपने एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर दे रही है बट फॉर अ अंसिड्रेशन उनसे पैसे ले रही है बट बोनस इशू में अ कंपनी इज इशूइंग वेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर फ्री दैट इज बोनस इशू तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दे रहे हैं बोनस इशू और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही पैसे लेकर शेयर दे रहे हैं दैट इज राइट इशू ओके

राइट इशू इशूंग शेयर्स टू एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर कंसिडरेशन बोनस शेयर्स टू शेयर होल्डर्स फॉर फ्री आई ऑल सेट ठीक है तो पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है पब्लिक पब्लिक कंपनी कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है या बोनस इश्यू राइट इश्यू कर सकती है सो तो एक पब्लिक कंपनी को अगर कर शेयर्स करने उसके तीन ऑप्शन है पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टिस सेकंड प्राइवेट प्लेसमेंट एंड थर्ड राइट इश्यू बोनस इश्यू जब तो एक पब्लिक इश्यू करती है तब इसको भी तीन टाइप के हो सकते हैं आईपीओ

इज प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी इशू कैसे कर सकती है प्राइवेट कंपनी के दो ही ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी का मतलब ही तो यह है कि पब्लिक इशू नहीं कर सकती है प्राइवेट कंपनी का बेसिक मतलब ही है कि पब्लिक इशू नहीं कर सकती तो प्राइवेट कंपनी इज गॉट नियरली टू ऑप्शंस थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और थ्रू राइट इशू बोनस इशू थ्रू प्राइवेट प्राइवेट्लेस में इशू बोनस इशू मतलब अगर मैं कहना चाहूं तो पब्लिक कंपनी ए बी और सी तीन ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी कंपनीस बी और सी है ए नहीं है अरे प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू कैसे कर सकती है पढ़ा होगा ना बचपन में प्राइवेट कंपनी कंपनी हुज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दो थ्री आर्टिकल्सिएशन द क्लॉसेज आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड मेंबर नॉट एक्सीड मेंंड्रेड आई होप यू होंडरस्टैंड सिम कहते हैं इसको सिम शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल इनविटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड नहीं करती है तो हम पढ़ रहे थे so, right तो तो right right तो सीखा देखो एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कुछ लोगों का ऐसा तो मिथ होता है कि पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर ही करेगी और प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी नहीं पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू के साथ प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है पब्लिक कंपनी राइट चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है बट प्राइवेट कंपनी सिर्फ तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है वो राइट इशू बोनस इशू नहीं वो पब्लिक इशू नहीं कर सकती राइट इशू बोनस इशू दोनों कर सकते हैं सो आई गेस एवरीवन इज विद मी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्वेंटी थ्री वेरी इजी सेक्शन पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट व्हाट डज इट से अ पब्लिक कंपनी फॉर रेजिंग सिक्योरिटी फॉर इशूइंग सिक्योरिटीज कैन गो फॉर पब्लिक इशू

चलो सेक्शन ट्वेंटी थ्री पब्लिक ऑफर प्राइवेट इजिल्वेंटी फोर बहुत छोटा सेक्शन है इतना सा सेक्शन टॉक्स अबाउट पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अब कैसे आप में से कुछ बच्चों को सेबी का अच्छे से आइडिया होगा कुछ बच्चों को नहीं होगा वॉट इज सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिया में लिस्टेड कंपनी को गवर्न करता है सेबी लिस्टेड कंपनीज को गवर्न करता है सेबी सर वॉट डू मीन बाई लिस्टेड कंपनी रिफर्स टू कंपनी शेयर आर लिस्टेड अवेलेबल एट अ रिक्नाइज स्टॉक एक्सचेंज तो इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं तो जिन जिन एक्सचेंज है अपने आपको उन पे कर रखा है, उन को जाता है, एक मिथ है कि इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है जी नहीं इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है हाँ ये दो सबसे पॉपुलर है एनएससीबीएससी तो एससी बी या फिर कोई भी और स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी कंपनी ने अपने शेयर्स को लिस्ट कर रखा है कि उस कंपनी के शेयर्स वहां से बाय और सेल किए जा सकते हैं देन दैट कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी उन लिस्टेड कंपनीज को उन लिस्टेड कंपनीज को गवर्न करता है सेल तो ये पावर है सेक्शन ट्वेंटी फोर इस बारे में कहता है पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज सिक्योरिटी सेबी के पास पावर है टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज व्हाट डज इट से समझना फॉर लिस्टेड कंपनीज द पावर टू रेगुलेट इशू ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज कि वो सिक्योरिटीज को इशू कैसे करेंगे बिकॉज उनकी सिक्योरिटी डिमैट वगैरह के कंसेप्ट में होता है उनकी सिक्योरिटीज इशू कैसे होंगे उनकी सिक्योरिटीज ट्रांसफर कैसे होंगे एक लिस्टेड कंपनी के सिक्योरिटीज इशू कैसे होंगे और ट्रांसफर कैसे होंगे ये गवर्न करता है सेबी सो दैट इज द सेक्शन ऑल अबाउट इतनी सी बात कहता है सेक्शन बहुत छोटा सेक्शन है दैट सेबी हैज अ पावर टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज द पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर लिस्टेड कंपनीज तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसमें पावर टू रेगुलेट इशू ऑफ सिक्योरिटीज एंड ट्रांसफर किसके पास है अरे बोलो किसके पास है अरे घर में बैठ के चीखो चिल्लाओ किसके पास है बताओ किसके पास है

जनरलींपनी so पावर like किसको देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल तो like सारी कंपनी की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल में इश्यूफर में दूसरा रिटर्न की पावर प्रिफरेंस पावर हमारे पास ही वापस हमारे पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल के पास ही है लेकिन लिस्टेड कंपनी में लिस्टेड कंपनी में इशू ऑफ सिक्योरिटी और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इसका पावर है यार देखो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा कंपनीज एक्ट का तरीका है ना ट्रांसफर का बहुत टाइम कंज्यूमिंग अरे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि आज आपने ट्रांसफर किया तो भाई साहब आपको वो पूरा डॉक्यूमेंट बनाना है उसको साइन करना है फिर आपको उसको साइन करने के बाद में कंपनी को देना है फिर कंपनी आपको फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट देगा भाई साहब इसमें लग जाते हैं महीने दो महीने और वहीं जो सेबी का फॉर्मेट है ना मैं आपको क्या कह रहा हूं आज मैंने शेयर्स बाय किए तीन दिन आप समझ लो मंडे को मैंने शेयर्स बाय किए तो उसको दो दिन समझो वेंसडे वेंसडे के दिन तो शेयर्स मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं

सुनना सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्ट सिक्योरिटीज़ फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब यहां पे थोड़ा बेसिक्स में जाना पड़ेगा हमको आ जाओ सब लोग सुनना मेरी बात को बहुत केयरफुल होगा जो आपने पढ़ा होगा वन इज ऑफर फॉर सेल वन इज ऑफर ऑफ सेल अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली आपने पढ़ा होगा वन इज ऑफर फॉर सेल वन इज ऑफर ऑफ सेल ठीक है बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है अभी हम कवर करेंगे फोकस करना और आज से आपको आपको इसके बीच में एक और चीज समझ में आएगी ऑफर फॉर सेल एंड ऑफर ऑफ सेल दो अलग अलग सेक्शन से गवर्न होते हैं. देखना सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव टॉक्स अबाउट ऑफर फॉर सेल ऑफर फॉर सेल एंड सेक्शन ट्वेंटी एट कवर्स ऑफर ऑफ सेल सो ट्वेंटी फाइव फॉर सेल ट्वेंटी एट ऑफ सेल अंडरस्टैंड सेक्शन ट्वेंटी एट सर आप ये बताओ कि इसके अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या है अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल वट इज ऑफर फॉर सेल यहां पर आपको भी ऑफर फॉर सेल के अंदर कंपनी इश्यूज द सिक्योरिटी टू एन इंटरमीडियरी इशू हाउस कह सकते हो आप तो कंपनी अपनी सिक्योरिटी देती है इशू हाउस को समथिंग लाइक दिस कि मैंने आपको सिक्योरिटी दे दी अब आप इसका अलॉटमेंट करो एंड दिस इशू हाउस इशूज प्रोस्पेक्टस एंड ऑफर्स सिक्योरिटी टू पब्लिक सुना मेरी बात को अच्छे से कंपनी ने शेयर्स दिए एक इंटरमीडियट को और वो पब्लिक को ऑफर कर रहा है और वो पूरा पूरा अलॉटमेंट कर रहा है

दो कंडीशन होती है इसके अंदर कि ये दोनों कंडीशन कंप्लाई की तभी तभी ऑफर फॉर सेल माना जाता है कि ऑफर फॉर सेल है कि कंपनी ने शेयर्स दिए को और इंटरमीडियट इज इशूइंग इट टू पब्लिक यहां पे कंपनी हैज अ मेजर रोल टू प्ले यहां पे ऑफर फॉर सेल में कंपनी हैज अ मेजर रोल टू प्ले ऑफर ऑफ सेल में क्या होता है मैं आपको बताता हूं कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए हैं जिनको इशू कर दिए वो इनके मेंबर बन चुके हैं तो कंपनी के मेंबर के शेयर्स हैं इन मेंबर के पास ये शेयर्स दो साल पांच साल दस साल से सा हो सकते हैं इन मेंबर्स के पास शेयर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एंड नाउ दे वांट टू सेल देयर शेयर्स शेयर्स उनको अपने बेचने तो ये क्या करते हैं नाउ दे आर इशूइंग और ये पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं अब यह मेरे जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता मेरे पास रिलायंस के पच्चीस लाख के शेयर है मैं पच्चीस लाख के शेयर के लिए मार्केट में जा रहा हूं ये देखो मुझसे शेयर नहीं जिनके पास करोड करोडल लो टूडे अगर मुकेश अंबानी रिलायंस के शेयर बेचना चाहता है तो मुकेश अंबानी इस मीन से बेच सकते हैं ऑफर ऑफ सेल से शेयर ऑफ रिलायंस सेल हो सकता है so if any के फिर जित मेरे पास इतने ज्यादा शेयर है कि मैं नॉर्मल तरीके से बेच ही नहीं पाऊंगा आज मुकेश अंबानी अपने सारे शेयर बेचना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं होगा ना बेचना राइट right? उसको रिड्यूस प्राइस पे बेचना पड़ेगा वो कह रहे है कि नहीं मैं इशू प्राइस लगा रहा हूँ मैं प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा जो जो इंटरेस्टेड है वो मेरे शेयर के लिए अप्लाई करेंगे और मैं शेयर दे दूंगा ट्रांसफर करूंगा दैट इज ऑफर ऑफ सेल वेन एनी एक्सिस्टिंग मेंोस्पेक्टस दैट इज ऑफर ऑफ सेल कवर अंडर सेक्शन ट्वेंटी ऑफर फॉर सेल क्या होता है

एंड एज ऑफर ऑफ सेल क्शन ट्वेंटी शेयर होल्डर है कोई भी एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी का उसके पास बहुत सारे शेयर या फिर कुछ शेयर होड्डर मिलकर हमारे शेयर का पब्लिक इशू करते हैं क्या अपने शेयर का पब्लिक इशू करते हैं क्या हाँ बिल्कुल कर देते हैं तो भाई साहब वो सब लोग मिलकर भी प्रोस्पेक्ट इशू करके अपने शेयर का पब्लिक इशू कर सकते हैं यहाँ पे इनको कंपनी की थोड़ी बहुत मदद चाहिए होती है क्योंकि प्रोस्पेक्ट इशू करना है तो कंपनी का अगर कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है

ऑफर फॉर सेल सेक्शन 25 ऑफर ऑफ सेल सेक्शन क्लियर हो गया 25 ऑफर ऑफ सेल क्लियर सर ऑफर फॉर सेल के अंदर कंपनी पब्लिक को इशू करती है कंपनी के ऊपर से बर्डन कम हो जाता है फैरना

इनिशिएटिव किस को मस्ती है क्या कि अरे हाँ 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 मैं इंटरमीडियट बनूंगा नहीं इट इज एट द इनिशिएटिव ऑफ द कंपनी कंपनी को मस्ती है शेयर्स इशू करने की ना तो कंपनी उसको ऐसे इंटरमीडिएट कर रहा है तो इट इज एट द मस्ती एट द इनिशिएटिव ऑफ कंपनी वही ऑफर ऑफ सेल में कंपनी को मस्ती है इशू करने की अरे कंपनी तो सालों पहले कर चुकी कंपनी के पैसे आ चुके हैं

सेक्शन नंबर 25 एंड ऑफर ऑफ सेल सेक्शन नंबर 28 एट सुना ध्यान से ये दोनों के अंदर जो आपके लिए सीखने लायक पॉइंट पता है क्या एट दिस इंटर लेवल आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपको एक चीज पता हो सुनना सुनना सुना बहुत केयरफुली कंसेप्ट क्लियर हुआ ये इंटरमीडियरी यहां पर एक ऑफर डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा और यहां पर ये मेंबर भी एक ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करेगा सही है ना इंटरमीडिएट जब उन शेयर्स को ऑफर फॉर सेल के केस में पब्लिक को देने वाला है तब एक ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करेगा कि कंपनी की डिटेल्स के साथ में और ऑफर ऑफ सेल में सेक्शन 28 के अंदर भी जब वो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स पब्लिक को देने वाले तब एक ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करेंगे लॉ क्या कहता है सेक्शन 25 एंड 28 सब्सटेंशियली एक ही बात कहते हैं 25 ट्वेंटी 28 एक ही बात कहते हैं क्या बात कहते हैं ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है ये 25 और 25, 28 ट्वेंटी एट ए की बात कहते हैं ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट इश्यू किया ना इसके ऊपर प्रोविजन ऑफ प्रोस्पेक्टिस विल अप्लाई कि ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट भली आपने सेक्शन 25 में इशू किया भली आपने सेक्शन 28 में इशू किया है दिस ऑफर डॉक्यूमेंट विल हैव द सेम लायबिलिटी सेम रिस्पांसिबिलिटी सेम रूल सेम प्रोविजन एज लाइक अ प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस के रूल अप्लाई करेंगे तो प्रोस्पेक्टस में जैसे पढ़ने वाले जो आपने पहले से पढ़ा कहीं ना कहीं कि प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ भी मिस्टेक है तो भाई साहब सामने वाले आपसे डैमेज भी क्लेम कर सकता है प्रोस्पेक्टस में कोई भी चीज लिखी हुई चीज झूठ नहीं होनी चाहिए तो जो एक लाइबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रूल प्रोविजन प्रोस्पेक्टस के ऊपर अपलाई करते हैं एक्जैक्टली सारे के सारे प्रोविजन इन ऑफर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर

और नई चीज पता चलिए सिंपली क्लिक अ फोटो एम पहले डाउन लेड चलो सेक्शन ट्वेंटी फाइव सीधा सेक्शन ट्वेंटी फाइव डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल सिक्योरिटीज फॉर सेल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर फॉर सिक्योरिटीज फॉर सेल सिक्योरिटीज फॉर सेल सिक्योरिटीज फॉर सेल ऑफर फॉर सेल के अंदर जो हम डॉक्यूमेंट देते हैं टू तो बी डीम प्रोस्पेक्ट सेक्शन नहीं आपकी बात को कर दिया फाइव खुद ही बोलकर चला गया डॉक्यूमेंट हम देंगे ऑफर फॉर सेल के अंदर देखो क्या लिखा है कंपनी गिवस इट सिक्योरिटी इंटरमीडियट और इशू हाउस दिस इंटरमीडियट इशू हाउस गिवस द डॉक्यूमेंट ऑफर सिक्योरिटीज टू पब्लिक क्लियर है दिस डॉक्यूमेंट

of sale it is at the initiative of existing members beautiful so condition for offer for sale understand very carefully kya condition hai do condition hai pehli condition offer do condition matlab dono mein se koi bhi ek comply to chalegi beech mein aur dikh raha hai na bada bada pehli condition offer to public is made within 6 months from the date of allotment कंपनी ने अलॉटमेंट किया था किसी को और वो छह महीने में for sale सेल छह महीने में आगे पब्लिक को इश्यू कर रहा है offer for sale तो पहला condition क्या है कि छह महीने में हो जाना चाहिए मतलब ये नहीं कि हमने एक्जिस्टिंग इंटरमीडियरी को किसी को दिया था और पांच साल बाद हम कह रहे और ये ऑफर फॉर सेल है भाई ये ऑफर फॉर सेल नहीं होगा ऑफर फॉर सेल के लिए आपने उस इंटरमीडियरी को दिया था और इंटरमीडियरी आगे उसको इश्यू कर रही टू पब्लिक इट है आपनेट को दिया और इंटरमीडिएट आगे इशू कर उसके छह महीने के अंदर इंटरमीडियट को दे रही है इंटरमीडियट तो में ने आगे पब्लिक इश्यू करना चाहिए छह महीने दूसरा या फिर छह महीने ज्यादा भी तो चलेगा बट दूसरा कंडीशन कंप्ला होना चाहिए इफ द मनी इज नॉट यिसीव्ड बाई द कंपनी इवन अफ्टर द डेट ऑफ ऑफर आज ये कंपनी इंटरमीडियट ऑफर कर रही है

महीने के अंदर वो आगे ऑफर कर रहा है तभी ऑफर फॉर सेल दूसरा या फिर कंपनी ने इंटरमीडिएट को दिया इंटरमीडिएट छह महीने के बाद में आगे इशू कर रहा है बट अभी तक भी इंटरमीडिएट ने कंपनी को पैसा नहीं दिया था तो इट इज ऑल्स वेरी क्लियर दट दिस इज ऑल्सो ऑफर फॉर सेल की कंपनी ने इसको सिर्फ इशू करने के लिए दिया कंपनी महीने तक बैठेगी हाँ पैसा बाद में दे देना चलेगा नहीं ना तो कंपनी ने इतना वेट किया मतलब इट इज ऑफर फॉर सेल सो ऑफर फॉर सेल की दोनों में से एक कंडीशन चाहिए होती है वापस रिपीट करता हूं पहली कंडीशन ऑफर हैज टू बी मेड बाय द इंटरमीडियट विद इन सिक्स मंथ्स विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट या फिर सेकंड दैट दीडियट मेकिंग ऑफर टू पब्लिक हैव येट नॉट पेड़ द कंपनी है एकदम सिंपल तरीके से तीन सेक्शन पढ़े अगर कंप्लाइड प्राइवेट प्लेसमेंट इजी था ट्वेंटी ऑफर उसके बाद में हम पढ़ा ट्वेंटी फोर कौन सा पढ़ाया ट्वेंटी थ्री पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट ट्वेंटी फोर पावर ऑफ सेबी राइट फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एंड ट्रांसफर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी ये ट्वेंटी फिर आता सेक्शन ट्वेंटी सिक्स सेक्शन ट्वेंटी सिक्स अगर आप एक बार इसको सिर्फ उस नजरिए से देखते हो ना कि हाँ कंटेंट तो इसमें बहुत कुछ है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सुना से ट्वेंटी सिक्स टॉक्स अबाउट मैटर टू बी स्टेड इन पर अगर हम बात करें ना फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है

हर एक ने अपने अपने की कॉपी साइन किया जाता है और वो साइंड कॉपीज जो है ना वो आरोपी को दी जाती है कि देखो, जिन -जिन लोगों का में नाम है उन ने साइन किया मतलब कंसेंट उनकी। तो है, के पास पॉइंट प्रोस्पेक्टस टू बी सबमिटेड टू तो आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन तो जब भी प्रोस्पेक्टस इशू कर है कंपनी उसके पहले आरओसी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है नेक्स्ट सर एनी पर्सन इज नॉट अ डायरेक्टर एक्सपर्ट इनका नाम लिख सकते हैं यस

लास्ट पॉइंट प्रोस्पेक्टस इज वैलिड फॉर नाइनटी डेज तो जिस दिन आपने फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी टू आरओसी को दे दिया था वहां से नाइन्टी डेज तक आपका प्रोस्पेक्टस वैलिड रहता है आप उसको यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप नाइनटी डेज के बाद में सिक्योरिटी इशू करना चाहते हैं तो वो प्रोस्पेक्टस नहीं चलेगा आपको वापस नया प्रोस्पेक्टस बनाना होगा और वापस आरोसी की परमिशन लेनी होगी तो प्रोस्पेक्टस इज वैलिड ओनली फॉर नाइनटी डेज मैं आपको क्या कह रहा हूं ये छोटे छोटे पॉइंट ना आपको समझ में नहीं आएगा कब आपके एग्जाम में यूजफुल होंगे

अब इस प्रोस्पेक्टस में हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव लिखा था है, जो कॉन्ट्रैक्ट लिखे थे जो कॉन्ट्रैक्ट हमने प्रोस्पेक्टस में लिखे थे या फिर जो ऑब्जेक्टिव हमने प्रोस्पेक्टस में लिखा था क्या हम उसे चेंज कर सकते उस ला सकते the the yes, course, पहला, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स में वेरिएट करना चाहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव को वेरिएट करना चाहते हैं जो आपने प्रोस्पेक्टस में लिख के दिए थे तो यू हैव टू स्पेशल सुन ना आप अपने के कोई भी को में करना तो की आवश्यकता नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने प्रोस्पेक्ट में भरोसे पैसा किया है उसमें अगर आप चेंज करना चाहते तो स्पेशल टू तो पास जनल मीटिंग जब जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन पास करें तो जनरल मीटिंग का नोटिस देंगे जनरल मीटिंग इन वन इंग्लिश न्यूज पेपर वन वर्नाक्यूलर न्यूज पेपर तो ये जो नोटिस है जिस पे आप जनरल मीटिंग में स्पेशल पास करोगे। तो जनरल मीटिंग का नोटिस भी देना होगा सबको। कि भाई हमने क्यों वेरिएशन लाया एंड लास्ट जो डिसेंटिंग होल्डर जो बोल रहे अरे nah, हम आपके साथ है ही नहीं ना कि आप ये क्या बात हुई आपने हमें ये बोल के पैसा ले लिया अब आप चेंज कर रहे हो तो जो डिसेंटिंग शिरोडस उनको देना होगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी मैंने कुछ एब्रिवेशन ध्यान रखेंगे Be very आप चाहिए तो याद नहीं आ रहा था तो क्या है सेक्शन नंबर ट्वेंटी सेवन इतनी सी बात कहता है कि क्या हम अपने प्रोस्पेक्ट में लिखे थे उसको चेंज कर सकते हैं क्या वेरिएशन कर सकते हैं क्या? Yes, आप उसके कर सकते हैं चार कंडीशन स्पेशल रिजर्वेशन पास

नॉट भी यूज फॉर बाइंग सेलिंग डीलिंग इन सिकोरिटी छोटे छोटे पॉइंट आपको कहां कहां काम आएंगे आपको समझ भी नहीं आता एग्जाम में सो so, रिविजन नहीं बट ये पॉइंट पता है इससे एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स सेव कर पाते मनी रेज टू प्रोस्पेक्टस कैन नॉट बी यूज फॉर बाइंग और सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज जो पैसा आपने प्रोस्पेक्टस से रेस किया है वो आप बाइंग सेलिंग डीलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते कभी भी सिक्योरिटीज में तो ये नहीं तो हमने प्रोस्पेक्टस से पैसा रेज किया तो भी हम यार बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी भाई यार ये बजाज फाइनेंस का शेयर बढ़ने वाला है और हमने प्रोस्पेक्टस के पैसे से बजाज फाइनेंस का शेयर खरीद लिया एंड शेयर मार्केट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क ना पैसा डूब गया तो क्या करोगे तो जो पैसा आपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू रेस किया है पब्लिक ऑफर के थ्रू रेस किया है वो आप कभी भी ट्रेडिंग के लिए बाइंग सेलिंग डीलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते क्लियर है हाँ अगर आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी तो बात अलग हो। सेक्शन नंबर सेकंड टॉक्स अबाउट वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिव्स इन द प्रोस्पेक्टस वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिव्स इन द प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर ट्वेंटी सेक्शन ट्वेंटी टॉक्स अबाउट ऑफर ऑफ सेल बाय सर्टेन मेंबर्स मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं बहुत ईजी है ऑफर ऑफ सेल ऑफर ऑफ सेल सेक्शन ट्वेंटी मेंबर्स ऑफ द कंपनी

इज अ वेरी बेसिक सेक्शन वेरी बेसिक सेक्शन पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी फॉर्म एकदम सरप्राइज हो जाएंगे जिनको नहीं पता है तो जान के पहले कैसा हुआ करता था अर्लियर आई टेल यू अर्लियर मतलब 2019 के पहले, 2019 के के पहले पहले क्या हुआ करता था 2019 के पहले जो लिस्टेड कंपनीज है, है उनके शेयर्स होते थे डीमैट फॉर्म में राइट और पब्लिक कंपनीज प्राइवेट कंपनीज तो हमेशा फिजिकल फॉर्म में लेके घूमती रहती थी ऑप्शनल था जिसको डीमैट में रखना डीमैट में रखो जिसको फिजिकल में रखना फिजिकल में रखो जिसको आइडिया नहीं मैं आइडिया दे देता हूं पहले शेयर्स आए थे जब बहुत साल पहले फिजिकल फॉर्म एक शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म में आया करते थे फिर कंसेप्ट आया डीमेट का जैसे आपके पैसे कैश है वो आप अपने पास कैश में रख सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हो तो बैंक अकाउंट में अगर पैसे रखे तो आपके कैश में हार्ड कैश में नहीं होते बट आप अपने पासबुक में या अपने नेट बैंकिंग के थ्रू देख सकते हो कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं ठीक है एक्जैक्टली exactly डीमेट का कंसेप्ट है फॉर शेयर सर्टिफिकेट कि पहले शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे अब एक बैंक है डिपोजिटरीज बैंक उनके पास जाकर शेयर सर्टिफिकेट देते हो तो आपके डीमेट अकाउंट में उतने शेयर दिखते हैं डीमेट अकाउंट में उतने शेयर्स दिखते हैं

क्शन थर्टी एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रस्पेक्टिस जब भी एक करी, section कहता, advertisement करो, चीखो चिल्लाओ चीखो चिल्लाओ चीखो चिल्लाओ अरे क्योंकि आज की दुनिया में अनफॉर्चुनेटली जो दिखता है वो बिकता है जो दिखता है वो बिकता है जो लोग चीख चिल्ला के बता रहे हैं बस वही पता है कि यही प्रोडक्ट अवेलेबल है जो शांति से बता रहे हो तो किसी को पता ही नहीं ना तो चीखो चिल्ला तो जब भी आप इशू करो यू टू एडवर्टाइज इट सेक्शन नंबर थर्टी एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रस्पेक्टस एडवर्टीजमेंट में क्या होना चाहिए आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट होने चाहिए लाइबिलिटी लाइबिलिटी मतलब बैलेंस शीट बैलेंशियल लाइबिलिटी नहीं लाइबिलिटी क्लॉस जो एमओए में होता है लाइबिलिटी इस पर एमओए अनलिमिटेड है लिमिटेड है कैसी है तो ऑब्जेक्ट कंपनी का लाइबिलिटी कंपनी की लाएग अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना है सब्सक्राइबर्स का नाम एंड एज वेल एज उन्होंने कितने के लिए सब्सक्राइब किया है एंड कैपिटल स्ट्रक्चर सब्सक्राइबर होता है ना एमओ में लिखा होता है so, वो सब्सक्राइबर तो ये सब चीजें बेसिक है जो में होनी चाहिए इसके अलावा पूरा प्रोस्पेक्ट तो होना ही चाहिए साथ में क्या होना चाहिए आपका कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी की लाइबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा है कंपनी के शेयर कैपिटल कितना है कंपनी के सब्सक्राइबर्स कितने हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल तो कोई बड़ी बात नहीं इजी सेक्शन में बताओ टॉक्स अबाउट एडवर्टीजमेंट नाउ कम्स टू वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन

ज कमिंग अपर्ट इशू मैं मेरा पहला इशू ला रहा हूं तो कंपनी इज कमिंग अपर्स्ट इशूनी इशू शेल्फ प्रोस्पेक्टस टू द आरोसी के हमारा शेल्फ प्रोपेक्टस है और हम शेल्स इशू करना चाह रहे हैं शेल्फ प्रोपेक्टस आरोपी को दिया रजिस्टर हो गया फिर कंपनी ने पब्लिक के साथ पब्लिक इशू कर दिया अंडरस्टैंड वेरी गैफी इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस में उनको अपनी वैलिटी लिख के देनी होती वैलड फॉर हाउ मच दो साल तीन साल लिख दें क्या नहीं मैक्सिम वन ईयर लिख सकते हो तो आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ में अपनी वैलिडिटी लिख के देनी है विद वैलिडिटी पीरियड मैक्सिमम बनियर वैलिडिटी पीरियड मैक्सिमम कितना लिख सकता ईयर तो आपने लिख दिया तो आपने को है हमारा इसको संभाल के रखना इस पर हम अभी तो शेयर्स इशू कर रहे हैं बट दिस प्रोस्पेक्टस इज वैलिड फॉर वन ईयर इस पे हम अभी तो शेयर इशू कर ही नहीं थे वन लाख शेयर हमने भी इशू किए बट दिस प्रोस्पेक्टस इज वैलिड फॉर वन ईयर मतलब क्या मतलब अगले एक साल तक इसी प्रोस्पेक्टस के बेस पे इसी प्रोस्पेक्टस के बेस पे मैं और शेयर इशू कर सकता हूं जनरली हमने क्या पढ़ा था इज वैलिड ओनली फॉर 90 डेज बट शेल्फ बटस्पेक्टस के अंदर आज मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया सर आपको इसके बेस पे मैं एक साल तक शेयर्स इशू कर सकता हूं तो आज मैंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस दिया ठीक है आर ओसी को और वो शेल्फ पब्लिक को देके शेयर्स इशू कर दिया ठीक है अब उसके 2 महीने बाद मुझे वापस शेयर इशू करने आई वन टू इशू शेयर अगेन अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली नाउ वो आई वन टू शेयर इशू अगेन जनरली क्या होता है मुझे वापस प्रोस्पेक्टस देना होता बट मेरा पिछला शेयर प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी चल रही है तो अब मुझे पूरा प्रोस्पेक्टस देने की आवश्यकता नहीं है इन दो महीने में, में मेरी कंपनी में जो जो चेंजेस हुए उस शेल्फ प्रोस्पेक्टस में मैंने जो कंपनी का पोजीशन दिया है एग्जैक्टली exactly सेम तो नहीं होगा जो जो चेंजेस हुए सिर्फ वो चेंजेस मुझे आर ओ सी को देने विद द नेम ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमरेंडमी माई शेल्फ प्रस्पेक्ट इज वैलिड फॉर ईयर यस इट इज स्टिल वैलिड आई वॉन्ट टू मेक अनदर पब्लिक इशू ऑन द बेसिस ऑफ द सेम शेल्फ प्रोस्पेक्ट यो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कि उससे जो दो महीने में चेंज हुआ है वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया फिर वो जाता है पब्लिक पब्लिक के पास कि हे जो शेल्फ था उसी के साथ में ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है कोई भी व्यक्ति हमारे शेयर खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है वो पब्लिक को भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया जाता है ठीक है हो गया हो गया हो गया हो गया सेकंड टाइम इश्यू कर दिया उसके तीन महीने बाद वापस क्या मेरा शेल्फ अभी भी वैलिड है देखो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया था उसके दो महीने बाद आपने सेकंड इशू किया उसके तीन महीने बाद आप थर्ड इशू कर रहे हो तो वन ईयर तक के लिए वैलिड है ना तो अभी आप वापस कर सकते हो अरे हाँ 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 अब वापस आपको क्या करना है शेल्फ प्रोस्पेक्टस से लेकर अभी तक इन पांच महीनों में जो भी चेंज हुआ है ये मतलब पिछले इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम से नहीं शेल प्रोस्पेक्ट से लेकर अभी तक पिछले पांच महीनों में जो भी चेंज हुआ है वो इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में लिखोगे और अब को एक और बार शेयर इश्यू करना चाह रहा हूं आप पब्लिक के पास जाओगे आपका थर्ड करोगे बाय मियरलीस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम द रीजन दिस कंसेप्ट वॉज ब्रॉट इन बिकॉज कि कंपनी जो एक साल में मल्टीपल टाइम्स शेयर इश्यू करती है बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो लुट जाएगी बर्बाद हो जाएगी तो वो एक बार फर्स्ट इशू कहना प्रोस्पेक्टिस इशू करेगी वहां से बनी है इट इज वैलड फॉर दट फाइनेंशियल नो नॉट फॉर दट फाइनेंशियल ईर अपने जहां पर शेल्फ प्रोस्पेक्टस दिया है वहां से वन ईयर की वैलिडिटी मिलती है एक साल तक आप इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देख पब्लिक इशू कर सकते हैं वट इज शेल्स प्रोपेक्टस विद वैलिटी मैक्सिम स्टेप वन आप देखो डायग्राम से क्या समझ में आएगा स्टेप वन कंपनी स्टेप टू में सिक्योरिटी इशू कर दे पब्लिक को अब स्टेप थ्री देखो थ्री इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और स्टेप थ्री के बाद में स्टेप फोर अगर आप देखो जैसे देखोग थ्री मैंने यहां पे लिख रखा है तो थ्री में सिक्योरिटी इशू कर दी पब्लिक को और फिर उसके दो तीन महीने वापस मेमोरेंडम दिया है वापस सिक्योरिटी इशू कर दी पब्लिक को दैट इज ऑल्सो अलाउड तो थ्री यहां पे अगर हम चाहें तो इसको फोर कर सकते हैं फिर इसको फाइव करके इसको सिक्स कर सकते हैं दैट इज ओके आर यू अंडरस्टैंडिंग एक गलती जो जनरली लोग करते हैं कि मतलब ये यह सोचने शेल्फ प्रोस्पेक्ट के बाद में जब इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया आफ्टर टू मंथ्स तो इसमें टू मंथ्स की इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम हमने किया उसके भी थ्री मंथ्स तो इसमें मंथ्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दिस इन्न मेमोरेंडम विल हैव ऑल द चेंजेस फ्रॉम द शेल्फ प्रोस्पेक्टस टू दिस तो यहां पे पूरे फाइव मंथ्स की चेंजेस रहेगी पूरे फाइव मंथ्स के चेंजेस रहेंगे तो ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस दिया यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है यहां तक की चेंजेस वापस एक बार इशू इशु इन्फॉर्मेशन ये पूरे चेंजेस शेल्फ प्रोस्पेक्टस से यहां तक जो है वो उसमें लिख के आपको देने होंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस अ ब्यूटीफुल कांसेप्ट विथ विच कंपनी

ंडम क्यों इशू नंबर टू के लिए हमारा प्रोस्पेक्टस क्या है जो shelf prospectus था वो, और उसके साथ इन्फॉर्मेश नाम ही कहता है, shelf prospectus. कि एक बार हमने prospectus किया है और इसको हमने शेल्फ पे रख दिया है अब हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेमरेंडम इशू करके सिक्योरिटी जिसको प्रोस्पेक्टस देखना है वो शेल्फ से उतार के उसको रीड कर सकता है Are you understanding? So, shelf prospectus simply means that this is a prospectus based on which you can issue securities multiple times in that given one year. I appear all the That is shelf prospectus. So, shelf prospectus section 31. Section number 32 talks about red herring prospectus. Section 32 talks about red herring prospectus. What is red herring prospectus? Understand very carefully. Both easy. Red herring prospectus. Red herring prospectus. This is

लेकिन हम प्राइस लिख के नहीं देते हैं सर ये क्या बात हुई आज की तारीख में हम अगर कोई भी चीज परचेस करते हैं तो, 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 इस प्राइस, प्राइस तो देखना चाहेंगे ना रेड एंड लोग बताओ आप इस शेयर के लिए कितने रेड एंड इंक्लूड्स ऑल द इनफॉर्मेशन एक्सेप्टिस इशू टू इनवाइट बिड्स आप बिड करो आप बताओ इसके कितना पैसे देने को रेडी हो आपको उसमें एक रेंज दी जाती है के 20 से पच्चीस रुपए बीस से बाईस रुपए हजार से बारह सौ रुपए एक रेंज दी जाती है कि इस रेंज के बीच में आपने बिड करना है यू बिड एट प्राइस आर यू रेडी टू बाय द शेयर? दाइनलाइज हो रही है इतने प्राइस पर रख देते हैं एंड देनलाइज द प्राइस And once the company finalizes the price, the company again issues a prospectus known as final prospectus. So, whenever red hand prospectus is issued, towards the end, another prospectus will be issued named as final prospectus. This final prospectus will have the price of the security. Red hand prospectus does not include mm -hmm. the price of the security, it works this way. We issue red hand prospectus, then we ask for bids. People bid, and then we finalize the price and issue final prospectus. So red hand prospectus is a prospectus which is issued to invite the bids. After we receive the bids, we finalize the price and we issue a final prospectus. से bids invite करने के लिए किया जाता है बिडिंग इक्लूडिंग प्राइस टू फाइनल में इश्यू किया जाता होता है अगर समय ट्राई

इट इज इशू टू इन्ट बिड फ्रॉम इन्वेस्टर इन्वेस्टर से बिड इन्वाइट करने के लिए मतलब क्या आज आप जब भी सिक्योरिटीज इश्यू करना चाहते हो अब पब्लिक जब अप्लाई करना चाहता है उनके सेम होना चाहिए ना कि वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे सो so सेक्शन 33 टॉक्स अबाउट इश्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटीज इश्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर सिक्योरिटीज क्या आप एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक को देंगे पब्लिक इसको फिल करेगा एंड देर आफ्टर विल बी अप्लाई

नेक्स्ट एवरेस्ट प्रोस्पेक्टिस इज नॉट रिक्वायर्ड ये रिक्वर्ड प्रोस्पेक्ट नॉट रिक्वायर्ड फॉर टू थिंग ये ये दो चीजें अगेन ध्यान से पकड़ो वो ब्रिज हो जाते हैं गैप के पता ही नहीं है सो रिक्वाइडेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इन्विटेशन टू एंटर इन टू अंडर राइटिंग अगर आप किसी को कह रहे हो कि सुन हमारा अंडर राइटिंग कर लो तो इवेंचुअली उसको भी तो आप शेयर्स बेचने वाले हो ना एप्लीकेशन फॉर्म ही दे रहे हो तो जिसको आप इनविटेशन फॉर अंडर राइटिंग कर रहे हो वहां पे एवरेज प्रोस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है वहां पे आप सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भी दे सकते हो एव्रेज प्रोस्पेक्टिव आपको देना नहीं होगा जब आप किसी को अंडर राइटिंग इन्वाइट करें सेकंड सिक्योरिटीज वन नॉट ऑफर टू पब्लिक जब आप सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर ही नहीं कर रहे हो ना आप मान लीजिए प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं आप प्राइवेटली दे रहे हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट कर रहे हैं उन केसेस में उनके प्रोस्पेक्टिव देने की आवश्यकता नहीं है सो नॉर्मल रूल इज

यहां तक होता और यहां पर हमारे सेक्शन सीरीज़ का पहला पड़ाव खत्म होता है सिर्फ ऐसा क्यों बोलते तो पहला पड़ाव खत्म हो रहा है मैं आपको कह रहा हूं पहला पड़ाव खत्म हो रहा है मेरे पे विश्वास पहला पड़ाव खत्म हो रहा है आपका सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री टू चुका है इसके बाद में आपका थर्टी फोर थर्टी इसके बाद जो पांच सेक्शन आते हैं टॉक अबाउट पनिशमेंट

क्लियर थर्टी थ्री अभी तक अंडरस्टैंडिंग पर्पस चल रहा है बहुत पर, कोई परेशानी की बात नहीं है थर्टी थ्री इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटीज इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटीज के भाई साहब एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से आपने एवरेज प्रोस्पेक्टस देना होता है me, पहले भी आपको कहा मैंने

दिखे दिखे हैं मुझको और मैं आपको देख सकता हूँ तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है

एक प्रोस्पेक्टस में ना तो कुछ झूठा होना चाहिए और ना ही कुछ छूटा होना चाहिए सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से एक प्रोस्पेक्टस में ना तो कुछ झूठा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए मतलब क्या ना तो कुछ झूठा होना चाहिए मतलब देर शुड बी नथिंग विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग और ना ही कुछ छूटा होना चाहिए मतलब नो मटीरियल इंफॉर्मेशन शुड बी ऑमिटेड ज दोल्डन रूल ऑफ प्रोपेक्टस एड प्रोस्पेक्टस में ना तो कुछ छूटा होना चाहिए ना ही कुछ झूठा होना चाहिए मतलब प्रोस्पेक्टस एनीथिंग विच इज फॉल्सिंग झूठा एंड शुड नॉट ऑमिट एनी मटीरियल स्टेटमेंट छूटा तो ना तो झूठा होना चाहिए ना ही कुछ छूटा होना चाहिए झूठा है या कुछ छूटा है मतलब स्टेटमेंट और एनी मटेरियल स्टेटमेंट है पर्सन हु प्रोस्पेक्टस विल बी लैब एन अंडर फोर फोर्टी लाइबिलिटी अब सिविल लाइबिलिटी ज्यादा इंटरेस्टिंग है देखना पूरा बड़ा सा सेक्शन है सिविल लाइबिलिटी फॉर मिसमेंट एंड प्रोस्पेक्टस कि एक व्यक्ति अगर चाहता है कि नहीं मुझे तो सिविल लाइबिलिटी करनी है सिविल लाइबिलिटी फॉर मिसमेंट प्रोस्पेक्टस इफ एनी परसन है प्रोस्पेक्टस अगर एक व्यक्ति ने पे विश्वास रखते हुए कोई सिक्योरिटीज को अक्वायर किया है अगर एक व्यक्ति ने प्रोस्पेक्टस भरोसा रखते हुए किसी सिक्योरिटीज़ को अक्वायर किया है, में कुछ है और को हुए। समझ ना? मैंने प्रोस्पेक्टस के भरोसे कोई शेयर्स को खरीदा प्रोस्पेक्टस के भरोसे प्रोस्पेक्टस के भरोसे कोई शेयर्स को खरीदा है और उस प्रोस्पेक्टस में कुछ मिसलीडिंग लिखा था झूठ लिखा था फॉल्स लिखा था मटेरियल स्टेटमेंट ओमिट किए हुए थे उन्होंने और उस कारण से मुझे कोई लॉस और डैमेज हो चुका है तो देन आई कैन फाइल केस फॉर कंपनसेशन और उसके लिए कौन लाइबल होंगे के डायरेक्टर्स अग्री टू बिकम डायरेक्टर्स प्रोस्पेक्टस में कभी कभी लिखा होता है कि नाम लिखा है एज ए डायरेक्टर एंड जिन डायरेक्टर्स का नाम लिखा है, director, बनने वाले है. तो प्रोस्पेक्टस में जिस भी व्यक्ति का नाम लिखा है वो सब लाइबल है प्रमोटर ऑफ द कंपनी एंड द इशू जिस भी व्यक्ति ने उस इशू को ऑथराइज किया मतलब हमारा सीएसएस को लपेटे में ले लिया सी एस एन एक्सपर्ट। तो जो है, CSN, सब आ गए आगे सीएसएस को लपेटे में ले लिया है जिन जिन का नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है तो अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी चीज फॉल्स मिसलीडिंग है और उस पर एक्ट करते हुए उस व्यक्ति ने शेयर्स खरीदे उसको लॉस हुआ डैमेजेस भी प्रूव करने पड़ेंगे लॉस हुआ डैमेजेस हुए हैं उसको तो वो व्यक्ति कंपनसेशन मांग सकता है इन लोगों से कंपनी का डायरेक्टर जिस भी व्यक्ति का नाम ऐसे डायरेक्टर लिखा हुआ है मोटर ऑफ द कंपनी हुईज इश्यू सी एस सी एस सब लोग आगे यहां पर एंड एक्सपर्ट नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस ये सब लेबल होंगे कंपनसेशन देने के लिए अनलेस अनलेस द डायरेक्टर है कंसेंट बिफोर दूफ प्रेस्पेक्टस उस प्रस्पेक्टस के इशू होने के पहले मतलब वही आरओसी के पास सबमिट होने के पहले आरओसी के पास इशू होने के, पहले, होने के पहले, जिस ने अपना कंसेंट कर लिया है एक्सपर्ट पर्सन इज नॉट लाइबल एंड सेकंड इफ द प्रोपेक्टस वॉज इशूड हिज नॉलेज और कंसेंट एंड ही नोटिस नॉलेज उसके कंसेंट के बिना ही उन्होंने इशू कर दिया और उसने भी दिया कि भाई मेरी कंसेंट के बिना इन्होंने प्रोस्पेक्टिस इशू किया तो ये दो लोग हैं वो लाइबल नहीं होंगे फॉर कंपनसेशन कंपनसेन तो सब लोग कंपनसेशन कौन दो तो लोग एक प्रोपेक्टिस जो एक डायरेक्टर जिसने अपना कंसेंट विद्रॉ कर लिया वो भी लाइबल नहीं होगा या फिर एक डायरेक्टर जिसका कंसेंट लिया ही नहीं था फिर उसने पब्लिक नोटिस दिया भाई इन्होंने मेरे कंसेंट के बिना ये प्रोस्पेक्टस इशू किया राइट तो वो डायरेक्टर भी लाइबल नहीं होगा तो समझना अच्छे से क्या है सेक्शन नंबर 34, फोर थर्टी फोर थर्टी थर्टी फोर अगर प्रोस्पेक्टस में झूठा है या कुछ छूटा है तो सब लोगों को 447 तक लेके जाऊंगा

और रेकलेसली मतलबेंटली रेकलेसली मेक्स एनी फॉल्स मिस स्टेटमेंट और कंसील्स एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन वही बात है कि या तो आपने को झूठा बोला है या फिर आपने छूटा छूटा बोला है कि भाई या तो आपको झूठी बोल रहे हो या फिर आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हो

35 सिविल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस 36 पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग मनी यहां पे ऐसा फ्रॉडुलेंटली पैसा मांग रहा था मुझसे एंड नाउ कम 37 ये इसको बस बांधता है ये क्या कहता है एनी अग्रीव पर्सन कोई भी व्यक्ति अगर अग्रीव है ही कैन फाइल अ केस अंडर 35 और 36 और 37 ये लिखा है दैट एनी पर्सन हु इज अग्रीव कैन फाइल सूट अंडर 35 और 36 और 37 एंड नहीं लिखा है ओ आर लिखा है इन तीनों के बीच में तो कोई भी अग्रीड व्यक्ति तो वो या तो 34 में जा सकता है या वो 35 में है, वो 36 में जा सकता है 37, 37 ने वो एक्शन ले सकता है तो क्रिमिनल लायबिलिटी में, में जाओ, या 35 में लायबिलिटी में लिख जाओ या 36 के अंदर उसने आपको फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया है कि आप उसके अंदर लिखा मोरलाइस अगर आपके साथ गलत हुआ तो आप इन तीनों सेक्शन में कहीं भी जा सकते 34, 35, 36. 37 एक्शन ओके थर्टी एट ये भी पनिशमेंट का ही सेक्शन है ये एक बार होता है थर्टी नाइन से वापस कुछ फ्रेश सेक्शन देखने को मिलेंगे ये भी समझो लेवल अंडर फोर फोर्टी सेवन कुछ गलती तो पे भी फोर फोर्टी सेवन में ही हो रहा है ना तो आप देखो थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी फोर में भी अंडर भीवन है थर्टी सिक्स में भी label under 447 है, 35 ही कि अगर आपको चीखे नहीं उनको पनिशमेंट होनी हो ठीक हो है मुझे कंपनसेशन चाहिए मारवाड़ी हो आप तो भाई साहब हमेशा थर्टी फाइव में जाओ आर यू अंडरस्टैंडिंग अगर आप मारवाड़ी हैं तो आप हमेशा 35 पे जाओगे भाई साहब मार उनको पनिशमेंट कर देना भले लेकिन हमको क्या चाहिए भाई साहब हमको चाहिए हमारा पैसा हमें कंपनसेशन चाहिए तो अगर आप कंपनसेशन 35 अदरवाइज 34 बोलो 36 बोलो 38 बोलो ये सब आपको क्या करते हैं सामने वाले व्यक्ति को लेबल करेंगे अंडर 440 सिर्फ पनिशमेंट फॉर परसोनेशन For for क्शन personation personation है, तो की की है तो भी आप लाइब्रिटी होगी आपकी अंडर फोर फोर्टी सेवन क्या पहला एप्लीकेशन फॉर शेयर ने अगर आप शेयर के लिए अपला फिक्टीशियस ने

जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना तो आप अप्लाई करते हो या कुछ कंपनीज के आईपीओ आते हैं जैसे कि एस बी आई कार्ड जैसे कि आई आर सी टी सी या आईपीओ ऐसे आते हैं जिसमें हम सब अप्लाई करते हैं पर हमें शेयर ही नहीं मिलते यार हमें शेयर ही नहीं मिलते तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है खुद के ही नाम से दस बार अप्लाई कर रहा है शुभम सुखलेचा दूसरा नाम शुभम जैन शुभम सिंगल एम से शुभम सुखलेचा उसके बाद में शुभम अशोक सुखलेचा शुभम ए सुखले मैं मेरे नाम के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अप्लाई करूं ताकि कंपनी कंफ्यूज हो जाएगा वो समझे कि अलग अलग एप्लीकेंट है और हरेक को एक एक लॉट दे देगी दीजे लॉट मिलते ही नहीं है ना हरेक को एक एक लॉट मिल हाय हाय बड़ा मजा आएगा इफ अ पर्सन इज अपलाइंग फॉर शेयर विद मल्टीपल नेम और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इज सर नेम दे आप कंपनी को बेवकूफ समझते हो क्या एंड लास्ट अंपनी पर्सन इज ट्रांसफरंगेयर मेरे नाम पे शेयर है मेरे नाम से एक फिक्टिशियस नाम पे शेयर ट्रांसफर हूँ दिस ऑल्सो आई एंड सीवन ये क्या कहने की कोशिश करें देखो अब तो पॉसिबल नहीं हट जाएगी बहुत पुराना सेक्शन है क्योंकि अब तो आपका पूरा पैन जाता है साथ में यार तो वेन दर इज पैन तो आपने दो नाम भी देखो पैन तो सेम होगा ना तो पकड़ में आ जाओगे आप ऐसे तो इट इज जस्ट कि पहले का फंड है बट हम फिर भी कह रखा है कि अगर व्यक्ति शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है फिक्टिशियस नेम शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा है फिक्टिशियस नेम या फिर मल्टीपल नाम की कॉम्बिनेशन बना के अप्लाई कर रहा है इन सब केसेस में पर्सोनेशन वाले केस फिर थर्टी एट में फंसेगा थर्टी एट में फ्रॉड कर रहे हो हमारे साथ फ्रॉड इनको पकड़ के चलो फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ फोर फोर्टी सेवन में इनको पकड़ के ले लिया जाएगा तो अब देखो हमने पढ़ा थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी थर्टी फोर थर्टी फोर में भी फोर फोर्टी सेवन है थर्टी फाइव में सिविल है 36 में भी 447 है 37 से रास्ता दिखाता है कि एक व्यक्ति गलत हुआ है तो सेवन में से तो भेज तो इन तो रहे इनमें so तो इन से कुछ भी गलत हुई क्रिमिनलिटी फोर फोर्टी सेवन में जाओ आपने फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया फोर फोर्टी सेवन में जाओ और अगर आप पर्सोनेशन भी करें तो फोर फोर्टी सेवन में जाओ फ्रॉड के सेक्शन अति सुंदर चलिए देखो यार सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊं The 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 one one who 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 successful is not the one who tries. The one who tries up till the last moment. I understand ना कैसा लग रहा होगा यार सर थोड़ा सा सर ये थोड़ा सा कैसा हो रहा है कि सेक्शन में बोरिंग मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा पढ़ लिया आप सोच आप सर टाइम पास भी नहीं कर रहे हो बातें भी नहीं कर रहे पूछ भी नहीं रहे हो हम कैसे हैं तो सर ये तो नहीं बोर, बोरिंग यू हैव टू बी हर मैंने आपको क्या कहा एंड तक रहा हूँ फिर आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी जब करोगे एंड इज माई आंसर एंड ऑल दिफरेंस आर वीडरस्टैंडिंग जस्ट पेशलीसन टू इज अंपॉर्टेंट सेक्शन वहां तक बने रहो अब कुछ खास देखो नाइन छोटा ये हमें अच्छे से करना ठीक है चलो आ जाओ यहां पे चलो बताओ yes, और ये आपके टाइम पास के के लाया अगर ये लिख के नहीं लाया रहता और आपके साथ में लिख रहा होता ना तो मैं आपको रहा इसको चार घंटे लग जाते इट जस्ट योर टाइम सो यू कैन सी लेक्चर अगेन वर्जन ऑफ दिसन सेक्शन थर्टी नाइनमेंट ऑफ सिक्योरिटी जब भी सिक्योरिटी को अलॉट करी मैंने

नेक्स्ट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हैज टू बी फाइल विद आरओसी कि आपने जब भी अलॉटमेंट करें रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हैज टू बी फाइल मैंडेटरी ठीक है भाई एप्लीकेशन मनी कम से कम 5% मैं कह रहा हूं इतनी छोटी सी बात है पता होना चाहिए एग्जाम में फूट जाओगे अगर एक न्यूमेरिकल टाइप का कोई क्वेश्चन बन गया तो एप्लीकेशन मनी के नाम पे आप 5% तो कम से कम मानना ही मानना 5% से कम का एप्लीकेशन मनी रख सकते तो आपका जो भी फेस वैल्यू उसका कम से कम 5% हैज टू बी एप्लीकेशन मनी उससे ज्यादा भी हो सकता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन होते थोड़ी देर जाना चाहिए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हैज टू बी फाइल इजी सेक्शन नंबर 40 सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज सेक्शन 40 दिस इज फॉर लिस्टेड कंपनी सोチル सो इफ देयर इज एनी लिस्टेड कंपनी जो बच्चे जो बच्चों ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट अगर कहीं पे पढ़ा है तो उनको इसका आईडिया होगा अदरवाइज नहीं होगा अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है कंपनी प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड मतलब कंपनी प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड मतलब जो एक कंपनी बस लिस्टेड होने ही वाली है उसका अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है सो इफ देयर इज एनी लिस्टेड कंपनी और एनी कंपनी प्रपोज्ड टू बी लिस्टेड दैट कंपनी इफ एट ऑल एवर वांट्स टू इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक कि हम कंपनी है

तो ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस तो लिस्टेड है ये वन लैख शेयर के लिए अलग से एप्लीकेशन बढ़ी रिलायंस एक्सचेंज को सुनो ना ये वन लैख ,00 को भी लिस्ट कर लो ना फिर वो वन लैख ,00 को भी लिस्ट करेंगे सो so, इज़ नॉट लिस्टेड शेयर ऑफ लिस्टेड, तो जब भी कंपनी एडिशनल शेयर इश्यू करेगी हर बार स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड ओनली कैन इशू सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल आने की आवश्यकता नहीं आपने सिर्फ एप्लीकेशन भी दे दिया उसके बाद आप सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं

एप्लीकेशन मनी है इन सेपरेट बैंक अकाउंट दिस एप्लीकेशन मनी हैजू बी कैप्टन सेपरेट बैंक अकाउंट सर वाइट है बैंक अकाउंट अपटिल आपका अप्रूवल फाइनल नहीं हो जाता है मतलब आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुका है हाँ, सारी कंडीशन हो गई हाँ तब आप इसको अलॉटमेंट के लिए यूज कर सकते हो तब आपको अलॉटमेंट के लिए यूज कर सकते हो या फिर इसको रिफंड सो अंडरस्टैंड

फोर्टी वन इज नथिंग जीडीआर जिन बालकों को जीडीआर नहीं पता है इस पर मैं सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा कंपनी के अंदर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते जीडीआर को कुछ बच्चों ने अगर मेरा पहले से यूट्यू पे कहना कि जीडीआर के बारे में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसी एक आइडिया हल्का सा देता हूं अगर एक अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी है कोई एक कंपनी है जिसको अपनी कंट्री के बाहर से पैसा रेस करना है सो दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गो फॉर जीडीआर

ज फॉर्टी टू अगर मैं देखू बेरैक्ट को तो बेरैक्ट ने इस पूरे चैप्टर को चैप्टी प्रोपेक्टस एंड अलॉटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया पार्ट वन है सेक्शन ट्वेंटी टू इज पार्ट टू क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट की बात हो रही है अभी तक हमने प्रोपेक्टस प्रोपेक्टस प्रोस्पेक्टस पढ़ा सेक्शन फोर्टी टू टॉक्स अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर और इन्विटेशन फॉर सब्सक्रिप्शनिटी प्राइवेट प्लेसमेंट हमने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा था ट्वेंटी थ्री पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट में कि पब्लिक कंपनी कैन गो फॉर पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इशू बोनस इशू बट अब प्राइवेट कंपनी कैन गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर बोनस इशू राइट इशू प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती है तो अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कोई भी कर रहा है भले पब्लिक कंपनी कंपनी प्राइवेट उसका प्रोसीजर यहां पर हंड्रेड परसेंट फोकस विद मी इफ अ कंपनी इंटेंस टू गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट द कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अगर एक कंपनी कभी प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है तो कंपनी को इशू करना होगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कंपनी को इशू करना होगा प्राइवेट प्राइवेट प्लेसमेंट प्लेसमेंट ऑफर ऑफर लेटर लेटर कंपनी ने इशू कर दिया किसको करेगा सिलेक्टेड पर्सन को सिलेक्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है कंपनी को अपने पास पहले से ही नाम लिख के रखने होते हैं नेम टू बी कैम्प कंपनी मतलब आज एक कंपनी कभी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो ऐसा नहीं करती है कि कोई भी चालीस लोग आ जाओ नहीं कंपनी नाम लिखती है ओके अक्षय सुरेश रमेश मुकेश अशोक

मैक्सिमम फिफ्टी पर ईयर ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट आप किनको कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉइज को दोनों दो, को हटाते हुए उनके अलावा एक्स्ट्रा यू गेट फिफ्टी पर ईयर प्राइवेट प्लेसमेंट में हटा दो एंड साथ ही साथ इंप्लाइज को भी हटा दो, साथ भी साथ भी हटा दो. तो इन सबको हटाते हुए ओके okay. अब सिलेक्टेड पर्सन आपको पैसे देते हैं कि हाँ हाँ हमें प्राइवेट प्लेसमेंट चाहिए उन्होंने आपको पैसे दे दिए नाउ कैन बी टू थिंग्स फर्स्ट यू कैन यू हैव टू 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 मेक मेक देम देम अलॉटमेंट अलॉटमेंट यू द विद इन डेज तो आपने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर दिया ठीक है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर आपने उनको दे दिया मैक्सिमम फिफ्टी को दे सकते उन सबके नाम लिखे होने चाहिए अब जो जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने आपको पैसे दे दिए so, कि हाँ, हाँ 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 उनके पैसे आ चुके हैं नाउ यू हैव टू अलॉट देम विद इन विदिन डेज आपने डेज के अंदर अलॉटमेंट कर देना है ठीक है सिक्सटी डेज में आपका अलॉटमेंट हो जाना चाहिए अगर सिक्सटी डेज में आप अलॉट नहीं कर पाए तो नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में डेज डेज। इफ नॉट मतलब समझ में आ रहा है? 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो अगले 15 दिन पंद्रह टू रिफंड अगर नहीं कर पाए तो 12 परसेंट एनम का इंटरेस्ट लगने लग जाएगा तो या तो आप 60 डेज में अलॉटमेंट कर दो अगर 60 डेज में अलॉटमेंट आप नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप उनको रिफंड कर so

ट तो कर दिया प्राइवेट प्लेम ऑफर लेटर का पूरा प्रोस्पेक्ट मानेंगे एंड पूरा का प्रोविजन इश्यू

यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स सेक्शन नहीं थे चैप्टर थ्री ऑफ द देश्वेंटी थ्री टू फोर्टी टू प्रोपेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी वेरी इजी चैप्टर ऑफ कंपनीज है कोई परेशानी की बात नहीं है कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगी सर समझ में आ गया सब अच्छे से ऑफर फॉर सेल ऑफर ऑफ सेल एवरीथिंग इज इन माइंड उनको डीम प्रोस्पेक्टस माना चाहिए इट इज इन माइंड इट इज वेरी क्लियर ईच एंड एवरी थिंग इज क्लियर आई बिलीव सो बिली डूस यू हैव टू डू यू टू एंश्योर कि आपको याद रहे सेक्शन ट्वेंटी टू सेक्शन सीरीज में पढ़ने का एक फायदा यही होता है एग्जाम में जनरली अगर हम कोई आइसोलेटेड सेक्शन याद करके जाते हैं जिससे हमें याद है हमें मान लीजिए कोई भी 184, 187 याद है हमें 188 याद है हमें अगर इस तरह से 164, 167 याद है इस तरह से अगर हमें आइसोलेटेड याद है तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है कभी कभी उसको भूल जाते हैं याद नहीं यार ये कौन सा था लेकिन अगर सेक्शन की पूरी सीरीज याद है तो हम पूरी सीरीज देखते हैं ये ये ओके ये, 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 ये वाला सेक्शन था

पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ रहा है पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज सबसे पहले बताया था एक पूरे का, सुना सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर प्राइवेट पेशन क्या बता था कि पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक ऑफर कर सकती है आईपीओ एफपीओ सेल कर सकती है या फिर प्राइवेट पेशो में भी कर सकती है राइटो बोनस इशू भी कर सकती है लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी पेश में राइट बोनस इशू कर सकती है सेकंड थर्टी ट्वेंटी

ठीक है ऑफर ऑफ सेल में हमारे एक्जिस्टिंग में वो अपने बेचना चाहते हैं वो ऑफर ऑफ सेल कर रहे हैं दोनों में जो डॉक्यूमेंट आपने इशू किया ना इसके ऊपर प्रोस्पेक्टस के पूरे रूल्स अप्लाई करेंगे ऑल द प्रोविजन लाइब्रेटिस ऑफ प्रोपेक्टस विल अप्लाई ये क्लियर नेक्स्ट मैटर टू बी इन प्रोपेक्टस के प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें अनिवार्य रूप से आपकी लिखी होनी चाहिए फिर इसकी कुछ माइनर पॉइंट्स 26 मैटर्स टू बी इन बोस्पेक्ट देन 27 वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट अगर कभी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को वेरिएट करना चाहते हैं तो भाई साहब उसके नोटिस को इंग्लिश में देना होगा उस नोटिस और शेयर होल्डर को एक्सिट अपॉर्चुनिटी देनी होगी में शेयर शेडोडर से उनको अपने तो बेच सकते हैं इस मेथड से अंदर ऑफर ऑफ सेल कोई परेशानी की बात नहीं लेकिन यहां भी जो डॉक्यूमेंट दोगे उसके ऊपर पूरा प्रोस्पेक्टिस रूल अपलाई होते देन ट्वेंटी नाइन पब्लिक ऑफर सिक्योर टू बी डीमेट फॉर्म कि जो भी कंपनी पब्लिक ऑफर कर पब्लिक कंपनी करती है वो डीमेट के अंदर ही करेगी अक्टूबर नाइनटीन के बाद में थर्टी डवर्टेंट चिल्ला चिल्ला के बताओ कि हमारे को एवर्टीजमेंट करना है आपको देने थर्टी टू शेल्फ प्रोस्टस रेड एंडस थर्टी वन थर्टी टू शेल्फ प्रोपेक्ट रेड एंड प्रोपेक्टू शल प्रोपेक्ट प्रोपेक्टस हमने किया है उसकी वैलिटी ईयर तक हो सकती है तक हम उसके भरोसे और फर्दर प्रोपेक्ट इशू कर सकते और फर्दर शेर इशू कर सकते हैं बाय मीरली इशूंग इफॉर्मेशन मेमोरेंडम रेड हेरिन प्रोस्पेक्ट रेड रेड हैंड हैंड भाई साहब हमने आज किया इसमें प्राइस नहीं देते पब्लिक बोलते बिड करो बिडिंग 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 हो गई फिर हम एक फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करते जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म देंगे उसके साथ में क्या दोगे क्या दोगे क्या दोगे क्या दोगे क्या दोगे प्रोस्पेक्टस दोगे

ये तो मुझे रास्ता दिखा दिखाया और इस सिविल में कहता है कि भाई साहब मेरे साथ गलत क्या मैंने प्रोस्पेक्टर्स के पे शेयर है सबसे कंपनसेशन लेगा मैं मारवाड़ी फिर आता थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी टू बहुत ही बड़े थर्टी नाइन अबाउट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय द कंपनी की सिक्योरिटी अलॉटमेंट कंपनी करेगी विदिन थर्टी डेज करेगी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आने की बात करेगी फाइव परसेंट जो है एप्लीकेशन पे कम से कम पैसा फाइव परसेंट तो आना चाहिए उससे कम नहीं आ सकता है

डी के लिए पास करना है स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल स्पेशलेशन फोर्टी टू लास्ट में बात करता है अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट कि कंपनी इशू करके प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर हमारे पास हर एक व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए जिस जिसको नाम और डिटेल्स होना चाहिए जिस हमने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर दिया मैक्सिमम फिफ्टी को दे सकते हैं उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते उन्होंने अप्लाई किया फिर सिक्सटी डेज में उनको अलॉटमेंट कर दो या फिर उसके नेक्स्ट फिफ्टी डेज में रिफंड कर दो नहीं किया तो बारह का इंटरेस्ट लगेगा और फिर उसकी कुछ सादे 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 पॉइंट आ गए कि इसका ध्यान रखो इसका ध्यान रखो एडवर्टीमेंट नहीं दे सकते हो आप कहीं पे भी ये सारी चीजें

तो मेमो टेक्निक से होता क्या है कि इससे आपको सिंपली एक सेक्शन सीरीज याद हो जाएगी आराम से बस ठीक है तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री की सेक्शन सीरीज सेक्शन नंबर चैप्टर थ्री की सेक्शन सीरीज की मेमो टेक्निक है याद रखने किसके बारे में पकिया पकिया कौन है पकिया एक आइटम है आइटम मतलब समझो एक एक्टर है एक कैरेक्टर है राधा द बेस्ट वर्ड वुड बी कैरेक्टर एक कैरेक्टर है हमारी स्टोरी में ये पकिया हमें हेल्प करेगा कंपनी के सेक्शन याद रखने में पकिया हमें हेल्प करेगा कंपनी के सेक्शन याद करने मतलब कंपनी के सेक्शन में सबसे ज्यादा पकिया

राजस्थान में हम लोग ऐसे कहते हैं ठीक है तो पकिया पागल है एक बार उसका फॉर्चूनर पे मैटर हो गया था तो उसने पता है क्या किया उसने विठलिया को कर दिया पकिया पागल है एक बार फॉर्चुनर पे उसका मैटर हो गया तो उसने विठल को ऑफ कर दिया ऑफ कर दिया मतलब उसको डिमैट कर दिया पफ डिमैट क्या होता है आपको पता है डिमोडरलाइजेशन वर्ड कहां से है आज मेरे हाथ में एक ग्लास है आज मैं जादू करके इसको गायब कर दू पुफ

चिल्ला चिल्ला कर उसको लेके गया कि भाई साहब देखो मैंने इसको चिल्ला चिल्ला कर उसकी अस्थियों को उसकी अस्थियों को शेल्फ पे रख दिया अपने घर में उसकी अस्थियों को शेल्फ पे एक रेड कपड़े में फोम के ऊपर फोम समझते हैं गद्दा छोटा था फोम फोम के ऊपर रख दिया सुनना 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 क्या किया पकिया पागल है एक कोई हंसो मत मुझ पे इधर देखो गएगा हंसना पकिया पागल है पकिया पागल है फॉर्चुनर पे एक बार मैटर हुआ पे एक बार मैटर हो गया विठल को क्या कर दिया क्या कर दिया बोलो मेरे साथ बोलना है कर चुला चुला कर उसकी अस्थियों को शेल्फ पे रखा अपने घर पे रेड कपड़े में फोम के ऊपर रखा फिर 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 अब ये सब करने का उसको तो गर्म खूह में कर लिया अब पकिया को डर कि पनिशमेंट हो जाएगा पनिशमेंट के डर से पनिशमेंट के डर से पनिशमेंट के डर से पनिशमेंट के डर से, से अगले ही सुबह गंगा गया पकिया अगले ही सुबह गंगा गया पकिया तो आप दिमाग लगाओ अभी आपके दिमाग में स्टोरी चलने चाहिए स्टोरी मैं आपको इमेजिनेशन रखा पकिया पागल है फॉर्चूनर पे मैटर हो गया विठल से मैटर हुआ उसको ऑफ कर दिया उसको डिमैट कर दिया पुफ उसको डिमैट कर दिया चिल्ला चिल्ला के उसकी अस्थियों को शेल्फ पे रख दिया रेड कपड़े में फोम के ऊपर ही सुबह पे गया कोई हंसेगा नहीं मेरे साथ बने रहो अब मुझे स्टोरी बोल के बताओ ये सब छोड़ दो क्या बन रहा है स्टोरी बोल के बताओ मुझे पहले कौन पागल है कौन पागल बोलना है आपको लग रहा है ना हाँ तो के हो जाएगा नहीं बोलो बोलो लोकल एंड

विठल को ऑफ कर दिया डिमैट कर दिया चिल्ला चिल्ला कर फिर चिल्ला चिल्ला कर चिल्ला चिल्ला कर उसने शेल्फ पे उसकी अस्थियां रखी रेड कपड़े में फोम के ऊपर ये फोम बाद में फॉर्म बनेगा ठीक है ऑप्शन नहीं था मेरे पास फॉर्म के ऊपर फिर पनिशमेंट के डर से पांच सेक्शन अपने पनिशमेंट के पनिशमेंट के डर से अगले ही सुबह गंगा पे गया पकिया आर यू लेबल टू रिमेंबर नहीं नहीं दो तीन बार बोलो दो तीन बार बोलो एक एक और बार क्लास 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 टाइम 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 बोलो मुझे बताओ मेरे से आगे पकिया पागल है नेक्स्ट वर्ड क्या फॉर्चुनर पे क्या हुआ मैटर किसको विठल को क्या किया ऑफ मतलब क्या हो गया डिमैट फिर क्या किया उसने चिल्ला चिल्ला कर कहां पे शेल्फ पे अस्थियों को रखा किससे कवर करके रेड कपड़े से किसके ऊपर फॉर्म के ऊपर फिर वो बैठा ऐसा पनिशमेंट की से क्या किया अगले सुबह कहा गंगा गया पक्की नाउंड सर वेरी केयरफुल पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्यया पकिया पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट पक्का पक्या पकिया पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट पकिया पक्या पकिया पकिया पागल है पागल 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 पावर ऑफ से पावर ऑफ पावर ऑफ पारी पागल पी 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 पावर ऑफ से पावर ऑफ सभी पॉस फॉरचुनर फॉर 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 ऑफर फॉर सेल ऑफर फॉर सेल ऑफर फॉर सेल

थर्टी नाइन अगले ही मतलब अलॉटमेंट अगले ही अगली सुबह स्टॉक एक्सचेंज सुबह स्टॉक एक्सचेंज सुबह स्टॉक गंगा जीडीआर 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 अगेन प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट सुन मेरी बात, कर सुना मेरी बात कर ये कब मजा आएगा अभी क्या करना जैसे ही सेशन खत्म होता है सम टाइम यू 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 टेक यूर रफ कॉपी टेक यूर रफ कॉपी

विठल को ऑफ कर दिया डिमेट कर दिया चिल्ला चिल्ला कर शेल्फ पे रख दिया उसने अस्थियों को रेड कपड़े में फॉर्म पे पांच सेक्शन पनिशमेंट के अगले सुबह गंगा पे गया पकिया मेमोरी टेक्निक अब आगे का लिखने की कोशिश करो कि आपको तो तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार ये करो तो एक बार ये करो वंस यू डन ट्रस्ट मी सब करके याद हो तो जाएगा या